इसकी जो डिवर्मिंग है उसे किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं, जो ऑनर ने बताया है। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर एवर। डियर फ्रेंड्स, आज दोबारा आपके सामने आए हूँ एक नए वीडियो के साथ में, और ये भाई साहब मेरे पास आ रखे हैं, जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोटेड। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं कि हमने लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड लेना है। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोटेड ज़रूर लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन लेना तब चाहिए अगर घर वालों के पास में टाइम है, उन्हें प्यार है डॉग से, अगर वो उसकी केयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई हक नहीं है किसी भी डॉग की ऐसी कंडीशन करने का जो ये कंडीशन मेरे सामने है डॉग की। ये भाई साहब की डिवर्मिंग हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए होंगे, जो ऑनर की बात जो ऑनर ने मुझे बताया करें तो ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं आई है, सिर्फ एंटी रेबीज लगवाना ही सफिशेंट हो जाता है, डिवर्मिंग ठीक है कभी साल में एक बार कर ली। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, आप जानते हैं मुझे, मैं आई एम वेरी मच पर्टिकुलर। मुझे तकलीफ होती है इस कंडीशन में डॉग देख के, उसकी पूंछ की कंडीशन देखिए, क्लोजअप लीजिए, देखिए कैसे गांठे बनी हुई है। मैंने पूछा ब्रशिंग कब की, कहते हैं जी कभी नहीं करते हैं, कभी ब्रशिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास में टाइम नहीं है। जो भाई साहब मेरे पास आ रखे हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, उनके फादर ने इसे रखा हुआ है, ये हिमाचल से आया है मेरे पास में डॉग। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, पर्टिकुलर मुझे ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता वो लेना, बट ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ मैं आप सबको कि हमने डॉग को रखा है, इस बेजुबान ने इनको नहीं बोला था कि मुझे अपने घर ले जाओ। क्या प्रूव करना चाहते हैं? अगर हमने डॉग रखा है, अरे आप सबके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? ताकि आप ये गलती ना करें, ये जो भाई साहब हैं ये गलती ना करें, जो वो मैम है देख रहे हैं वीडियो वो गलती ना करें। अरे हम सबके लिए बनाता हूँ ये वीडियो। इस डॉग को अगर इन्होंने अच्छे से कंडीशन किया होता, ब्रशिंग कर रहे होते, इसका कलर जो है उसकी रिचनेस बहुत ज़्यादा होती, बिकॉज ये सिंपल घर के खाने पे है, इसको कुछ नहीं मिलता, कोई हेल्थ टॉनिक्स नहीं है, कोई कैल्शियम नहीं है, कोई मल्टीविटामिन नहीं है, कोई ओमेगा 3 ओमेगा 6 कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई स्किन केयर नहीं है, जिसकी बेचारे की कंघी भी नहीं होती, और पता नहीं कब नहाता है, नहाता है तो शायद बरसात की वेट करता होगी, बरसात होगी तो मैं नहाऊंगा, शायद ये उस कंडीशन के डॉग से है। हमने डॉग रखना है, हमें बहुत शौक से डॉग रखना है, लॉन्ग कोटेड रखना है, उस तरीके से रखिए जैसे मैंने अपने हिटलर को रख रखा है। डेली ब्रशिंग होनी चाहिए सुबह शाम 2 टाइम, 2 मिनट ही सही। इतना अगर आप इतने बिजी हैं कि आप अपने डॉग के लिए 5-10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते पूरे दिन में, तो जी हमें डॉग रखने का हक नहीं है। क्लियरली सपना लेना, देखना कि उसका डॉग बहुत अच्छा है, उस 100% ने डॉग बहुत अच्छा रखा हुआ, हम भी सेम वैसा डॉग लाएंगे। अरे आपको पता है उस डॉग के पीछे कितने एफर्ट्स हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों की भी ब्रशिंग नहीं करेंगे, उनके बाल नहीं साफ करेंगे, उनको नहलाएंगे नहीं, उनको मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स उनकी भी कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। देखिए ना जो मांगने वाले हैं सड़कों पे, तो सिर्फ रोड साइड पे रेड लाइट वगैरह पे आपको मिल जाते हैं कि खाने के लिए या दे दो कुछ पैसे मांगने के लिए, उन्होंने खुद को गंदा रखा होता है ताकि उन पे देख के तरस आए। इस बेचारे का क्या कसूर है, इसको तो पता भी नहीं डिवर्मिंग भी कोई चीज़ होती है, खाना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप डॉग रखते हैं उसको टाइम टू टाइम डिवर्मिंग करिए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाइए उसकी, उसको अगर वो दुनिया में आया है दुनिया में और आप उसे अपने घर में लेके आए हैं, तो मेक श्योर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको केयर करें, उसको प्यार दें, उसको टाइम दें। सिर्फ बांध के रखा हुआ, इसके गले का इतनी गंदी कंडीशन है, एक बहुत डीप रिंग बन गया हुआ है उसका, बहुत डीप रिंग बन गया हुआ, क्योंकि वो कॉलर उतरा ही नहीं एक ज़माने से, लेग्स पे गांठे बनी हुई है, अदरवाइज ही इज हैविंग, इसका जो कोट है इतना सुंदर हो सकता था, मजा आता देख के ये। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात कि ये डॉग इन लोगों ने मुझसे लिया हुआ है और कभी इन टच ही नहीं रहते हैं। एक बहुत देर पहले मेरे पास आए थे हेयर कट करवाने के लिए भी, आज भी बाई चांस की बात है कि मेरे पास में आए हेयर कट करवाने के लिए, मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई एक रिक्वेस्ट, आप मुझे इसके बाद में वीडियो बनाना अलाउ करेंगे? तो मेरे भाई ने मुझे बोला, डियर फ्रेंड ने, कि हाँ भैया बना लीजिए। उनको खुद नहीं अच्छा लगता कि इसकी ये कंडीशन है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ही इज डूइंग जॉब समवेयर एल्स, घर में तो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो उनको डॉग नहीं लेना चाहिए। हमें ये लगता है हमने डॉग रखा है सिक्योरिटी करेगा, हमारे घर की रखवाली करेगा, कोई आएगा भौंकेगा ये वो करेगा, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ में आती है कि वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सोया हुआ है, उठ नहीं रहा, देखा नहीं उसने कोई आया तो भौंका नहीं,
वो अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो उसकी जिम्मेदारियां हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सिर्फ दो टाइम खाना डाल देना? ऐसा नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, और अगर ये बात समझ में आए तो प्लीज़ तभी डॉग लीजिएगा। टाइम है तो रखना है, वरना नहीं रखना। सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि घर में किसी एक को डॉग से प्यार था तो हम डॉग ले आए घर में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। साईं दया करेंगे आप पे, मुझ पे, हमारे पेट्स पे, सारी दुनिया पे। थैंक यू सो मच।